प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे आज की इस वीडियोस में मैं यहां पे बात करने वाला हूं आपका। एक नई अपडेट जो है जारी किया गया है BARC के तरफ से ना, BARC का फुल फॉर्म क्या होता है तो भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसमें जो है स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग के लिए आपका जो है नोटिस जारी किया गया था, और भी अलग अलग पोस्ट के लिए जो है आपका नोटिस जो है यहाँ पे जारी किया गया था। ठीक है, ये जो है आपका अप्रैल 2023 में जो है आपका जारी किया गया था, है ना। अप्रैल 2023 में ये नोटिस जो है आपका जारी किया गया था, जिसमें फॉर्म भरने के लिए जो है आपका 150 रुपया और 100 रुपया अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है पैसा आपका लिया गया था, और SC ST के लिए फ्री था। यहाँ पे आपका बात किया जाए तो मिनिमम एज 18 से 22 और 19 से 24 और 18 से 24 अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया आपका था, जिसमें स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 1 में 1216 सीट थी जो कि डिप्लोमा मांगा गया था, और स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 2 में 2946 सीट था जिसमें 10th+ ITI मांगा गया था। उसके बाद आपका टेक्नीशियन ऑफिसर ग्रुप ए के लिए BTEC आपका मांगा गया था, और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए BTEC इन फूड टेक्नोलॉजी होम साइंस एंड न्यूट्रिशन के लिए 7 सीट था, और टेक्नीशियन बी ग्रुप सी में आपका 24 था जिसमें 10th+2 पास होना चाहिए और बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये आपका जो है नोटिस निकाला गया था। तो यहाँ पे जो है आपका एग्जाम डेट का, यानी ऑनलाइन एग्जाम डेट का, CVT एग्जाम का नोटिस जो है यहाँ पे जारी किया गया, जो एग्जाम जो है वो 18 नवंबर से आपका आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे आप अलग अलग पोस्ट वाइज जो है आप देख सकते हो, ठीक है, पोस्ट का ID दिया गया है उसका यहाँ पे दिया गया है ना, अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पे जो है एग्जाम डेट दिए गए हैं, तो वो चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एग्जाम जो है 18 नवंबर से आपका जो है 24 नवंबर के बीच में जो है आपका यहाँ पे एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 तारीख को, है ना, 24 तारीख तक, है ना, 24 नवंबर तक जो है आपका यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आया हो। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो DR4TO/C था, जो कि आर्किटेक्ट का था पोस्ट के लिए, और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण से अभी होल्ड पे रखा गया, उसके बारे में बाद में बताया जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है टाइम एंड वेन्यू और CVT एग्जाम इंडिकेटेड इन एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में आपको जो है सारी चीज़ें जो है दी रहेगी। एडमिट कार्ड विल बी इनेबल नोट लेटर देन 21 डेज प्रियर द कमेंसमेंट ऑफ CVT। मतलब यहाँ पे 21 दिन पहले जो है आप, मतलब 21 दिन के अंदर आप यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो 18 तारीख से आपका एग्जाम है, तो आप अप्रोक्सीमेटली मानकर चलो कि 29, है ना, 29 अक्टूबर से या 30 अक्टूबर, है ना, 29 या 30 अक्टूबर से आप अपना एडमिट कार्ड क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं बार स्टाइपेंड्री का। उम्मीद करते हैं कि ये अपडेट आपके लिए जो है हेल्पफुल रहा हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि डियर जब तक आप हमें अपना डाउट्स को हमारे साथ शेयर नहीं कीजिएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि आपका क्या डाउट्स जो है हमारे सामने आ रहे हैं। तो अपना डाउट जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके का और भी अपडेट आपको जो है मिलता रहे। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, ताकि आपको जो है सही और बेटर इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के साथ शेयर किया जा सके। थैंक यू।